हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आज सीखेंगे कि राउटिंग बिटवीन वीलैंस। तो हमारे पास दो तरीका होता है वीलैन को कॉन्फ़िगर करने का। एक होता है ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है, जो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था। जैसे कि हम ऐसा, अगर हमारे पास सिनेरियो है तो हमारे राउटर पर हम ड्यूल रिंग, दो केबल लगा के VLAN पे कम्युनिकेशन करा सकते हैं। सेपरेट सेपरेट VLAN अगर हमारे पास है तो भी वो कम्युनिकेट कर जाएंगे। जैसे कि ये सेपरेट नेटवर्क है, ये सेपरेट नेटवर्क है, सेपरेट डोमेन है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक और जो इसकी मेथड है वो होती है कैसे कि हमारे पास सिचुएशन यही रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर एक सिंगल केबल यूज़ करेंगे और उसके बाद में जो हमारा राउटर का इंटरफेस है, उस राउटर के इंटरफेस को हम सब इंटरफेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको ये 1Q ट्रंकिंग यूज़ करना पड़ता है, तो वो हम सीखेंगे कि कैसे इसको इनेबल करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में जाएगी। एक VLAN ये है, इसका IP एड्रेस 10 है, एक VLAN ये है, ठीक है, ये एक स्विच से कनेक्टेड है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको हम राउटर ऑन स्टिक भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, राउटर ऑन स्टिक। अब देखेंगे कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये मैंने ये इतनी सारी चीज़ें ले रखी है, ये राउटर है, ये एक स्विच है, मल्टी लेयर स्विच है, इसमें कॉन्फ़िगर कुछ भी नहीं किया है। और ये यहाँ पे VLAN 10 बनाएंगे हम, ये 192 का नेटवर्क रहेगा, और एक VLAN 20 बनाएंगे, ये हमारा 172 का नेटवर्क रहेगा। तो मैंने इन कंप्यूटर्स को शायद IP एड्रेस दे रखा है, कि हम एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, इनको IP एड्रेस ये इस तरफ रहेंगे, ये दो, इसको नहीं, इसको देखना है मेरे को। अगर कुछ IP दिया होगा तो यहाँ पे IP दे रखा है मैंने 172.23 का, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये वाला नेटवर्क दे दूँगा 23.145 का, ठीक है। यही मेरे को यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है हमारे, हम कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। 4523 को आप 3 दे दीजिए, 4523, तो ये हो गया, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो के लिए यूज़ किया था, अब इनको हम केबल से कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट। ये केबल से कनेक्ट कर लिए, इसको मैंने पास इथरनेट 00 पे, इसको 01 पे, और इसी तरीके से इसको 2 पे कनेक्ट कर लिया, इसको 3 पे कनेक्ट कर लेंगे, और इस तरीके से ये वाले को 4 पे कनेक्ट कर लेंगे, और ये वाले को 5 पे कनेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारा बेसिक काम रहेगा स्विच कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। तो स्विच पे चले जाते हैं, तो देखिए ये कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, इसको नो करके आप इनेबल पे चले जाएं। इनेबल करके कॉन्फ टर्मिनल पे जाके सबसे पहले आप 2 VLAN क्रिएट कर लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे 100 VLAN करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड VLAN ही दिखेगी, ठीक है, जो 5 होती है। तो हम यहाँ पे अब क्रिएट करते हैं, 2 VLAN क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे चले जाएंगे, यहाँ पे दे दीजिए VLAN 10, और इसके बाद में अगर आप नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने नाम दे दिया डेटा 2020 करके, ठीक है। यहाँ से एग्जिट करके एक और VLAN क्रिएट करते हैं, VLAN 20, इसको भी हम नेम दे देते हैं वॉइस 2020 करके दे दिया मैंने, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे 100 VLAN की कमांड रन करेंगे, तो हमको यहाँ पे 2 VLAN दिखेगी, 2 VLAN क्रिएट हो गई है, लेकिन हमने इनको अभी भी कोई पोर्ट असाइन नहीं किए हैं। जितने भी पोर्ट हैं वो सारे के सारे पोर्ट डिफ़ॉल्ट VLAN को असाइन है, तो हम यहाँ पे अभी पोर्ट असाइन कर देते हैं, ठीक है। पोर्ट असाइन करना भी बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप यहाँ पे फिर से कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाइए, और यहाँ पे इंटरफेस VLAN कर देंगे, इंटरफेस रेंज दे देते हैं यहाँ पे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट यहाँ पे लिखिए, और ये है, एक बार आप देख लीजिए कि 10 को हमने क्या दिया है, 2 और 3 दिए हैं, तो यहाँ पे दे देंगे हम, फास्ट इथरनेट 0/2 से लेके 3 तक ये दे दिए। अब इस यहाँ से हम क्या करते हैं,
इसी पे एक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड रन करना है, ये भी रन कर दी है। इसके बाद में स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, कौन सा वीलैन 10 को ये एक्सेस करेगी, ये भी हमने रन कर दिया है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ से अब एग्जिट होके फिर से इंटरफेस ये इस तरफ हमने दे दिया है। अब इस तरफ हमको 4-5 को भी ऐसे ही करना है, 4 और ये 5 को, ठीक है। तो उसके लिए हम चले जाएंगे यहाँ पे इंटरफेस रेंज करेंगे, पास इथरनेट 0.4 to 5 रहेगा ये। इसके बाद में इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड रन करके स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 दे देंगे, ठीक है। इतना काम हमने यहाँ पे कर दिया है। और अगर आप यहाँ से अब 100 वीलैन की कमांड रन करते हैं, 100 वीलैन की कमांड रन करेंगे तो आपको असाइन पोर्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। इतना काम हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमको, ये वीलैन यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहा है पोर्ट से। अब ये जो फास्ट इंटरनेट 0 है इस पर हमको क्या है, ट्रंकिंग इनेबल करनी है। ट्रंकिंग का काम क्या होता है, मल्टीपल वीलैन की ट्रैफिक को वो कैरी फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे भी आप चले जाइए इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 पे और यहाँ पे जाके आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक इनेबल कर देंगे। और यहाँ पे ऑटो मोड में आ रहा है तो इसको पहले आप स्विच मोड एक्सेस करिए और उसके बाद में ट्रंक की कमांड रन करिए। तो ये हो गया यहाँ से, और हो सके तो इसको आप नो शट डाउन की कमांड भी रन कर सकते हैं। इतना काम हमको यहाँ पे करना है। इसके बाद में बाकी का काम हमारा राउटर पे। तो राउटर पे हमको क्या है, जो फास्ट इथरनेट 0.0 है इसको हमको सब इंटरफेस बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। छोटे छोटे नहीं, मतलब सब इंटरफेस बनाते हैं उसको। मुझे यहाँ पे एक कंसोल अच्छा ये है ऑलरेडी, केबल ले लेता हूँ राउटर का। यहाँ पे टर्मिनल पे जाके मैं इसका कंसोल ले लिया राउटर का। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप राउटर पे जाइए, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड पे चले जाइए, कॉन्फ़िग करके सबसे पहले तो इसके इंटरफेस को जाइए आप, इंटरफेस को अप कीजिए, पास इथरनेट 0/0, इसमें नो शट डाउन की कमांड रन कर देना। तो ये अप हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए और अब जाना चाहिए इंटरफेस पास इथरनेट 0/0.1, हमने इसको जो जीरो है उसको 0.1 में कन्वर्ट कर दिया है, ये हो गया। इसके बाद में इसको आप आईपी एड्रेस दे दीजिए, आईपी एड्रेस 192.168। अब यहाँ पे आपने इसको कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे आपको इनकैप्सुलेशन रन करना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन DOT, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी वीलैन को एक्सेस करेगा। तो मैं इसको वीलैन 10 दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में अब आईपी एड्रेस लगा दीजिए आप, यहाँ पे आईपी एड्रेस 192.168.0.1.255.255.255.0 और यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। सेम हमको इसको एक बार फिर पास इंटरनेट 0/0.2 करेंगे, एक और इंटरफेस बनाएंगे, इसमें भी इनकैप्सुलेशन इनेबल करेंगे हम। इसको यहाँ पे आपको आईडी चेंज करनी पड़ेगी वीलैन, अब यहाँ पे आपको 20 देना होगा, ये कर दिया है। इसके बाद में आप सिर्फ इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दीजिए, आईपी एड्रेस असाइन करेंगे यहाँ पे 145 लिया है मैंने और एक ये 123 का लिया था, 172.123.145.1 का नेटवर्क मैंने लिया है। यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। अब हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा वीलैन कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं है, इंटर वीलैन बेसिकली, और कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे इस पे इसका आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं आईपी कॉन्फ़िग / कॉल भी करते हैं आप इनवैलिड कमांड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ हमें यहाँ से पिंग करके चेक करते हैं, या तो मैं एक काम करता हूँ, एक सिस्टम को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, दूसरा सिस्टम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने ये डिलीट कर दिया, वो 4 पे था तो हम दूसरा सिस्टम लगाएंगे, दूसरा लैपटॉप ले लिया मैंने, इसको पोर्ट नंबर 4 पे कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर लिया। अब इसको मैं आईपी दे देता हूँ, ये तो गेटवे है तो 172.23.145.5 दे दिया मैंने इसको, ठीक है। और इसके बाद में 172.220 मतलब 23.145.5
5 देना है, ये वाला तो गेटवे रहेगा तो ये 1 रहेगा, इसको 5 कर दिया है। और सबनेट मार्क्स क्लास सी का यूज किया है मैंने। ग्लोबल में जाएंगे हम, ये होना चाहिए 1, ये होना चाहिए 5। ओके ये ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम इसी के नेटवर्क को पिन करते हैं, 172.23.145.1। पहले गेटवे को चेक करते हैं, गेटवे से रिप्लाई मिल रहा है, मतलब राउटर से रिप्लाई मिल रहा है। उसके बाद में इसी के नेटवर्क में एक सिस्टम लगाया है हमने, जिसका आईपी एड्रेस 2 दिया है मैंने, ये वाला, तो उसका भी हम देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके इंटरफेस पर जाकर, तो इसका आईपी एड्रेस से भी हमको रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही हम ये 192 को चेक करेंगे, 192 का अगर आप देखेंगे तो 192.168.0.1 इसका गेटवे है और 3 इसका आईपी एड्रेस है। तो हम यहाँ पे 3 को पिंग करते हैं, तो इसको 192.168.0.3। तो देखिए ये इंटरनली अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब क्या करना है हमको, यहाँ से 170 के नेटवर्क को पिंग करके देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए अभी रिप्लाई नहीं आया, अब रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई आने लग गया, मतलब हमारा इंटर वीलैन कम्युनिकेट कर रहा है, ये वाला इस नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि 192 का नेटवर्क कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट आया, अब ये कम्युनिकेट करने लग गया। तो गाइस इस तरीके से हम क्या है स्टिक मोड पे इस तरीके से सब इंटरफेस बना सकते हैं हमारे एक फिजिकल इंटरफेस को। मैंने कन्वर्ट किया उसको 1 और 2 में, और उसके बाद में हमने ये यूज़ किया ट्रंकिंग के लिए, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 0 को आईपी एड्रेस दिया, ये एग्जाम्पल है दिखाने के लिए, और हम बराबर से कम्युनिकेट कर रहे हैं वीलैन के साथ में। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है और कुछ सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में कुछ नया आपके साथ शेयर करूंगा, जब तक के लिए बाय बाय।